और आज का दिन बेहतरीन होने वाला है। और खोकर साहब ट्रिनिटी पेज पर भैया दिल्ली की दो शायरियां तो मैं डाल महाराज जी, ये शाम को एक्सप्लोर करेंगे हम यहाँ। जरूरी है सेफ्टी भैया पहले। ओ भागा, और पीछे शेर है, कौन है? जंगली चीजों को जंगल में रहने दो। सब का लव एंड सपोर्ट चाहिए ग्राम फैमिली द बिगेस्ट। वरवा कैसे करेंगे हमारे का सपोर्ट बताओ? सब्सक्राइब करो। हाँ, सब्सक्राइब करो। तो जी, आई होप आपको ब्लॉग आज का अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल टेंशन यू गाइस। हेलो गाइस, सो वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। हो गई मॉर्निंग वाले ब्लॉग की शुरुआत। डैड चंडीगढ़ गए, साथ जय माता जय भैरवनाथ। और हो गए हैं 72.90, मतलब हमारा वेट कहीं ना कहीं हल्का सा बढ़ गया है। समय सारिणी की अगर मैं बात करूँ तो बजने वाले 6:15, हम हो गए हैं रेडी। मतलब हमने मौसम सब बना डाला, बस एक जूस बनाएंगे और उसके बाद बच्चों को रेडी करके ऑफिस के लिए तितर हो जाएंगे। आज शनिवार, जय शनिदेव जी। और आज का दिन बेहतरीन होने वाला है क्योंकि हम बेहतरीन हैं। हाँ, आपका दिन नहीं बेहतरीन जा रहा भैया। टैग चंडीगढ़ आयो, पोलो का डालो, वहीं पे मिलेगा बेहतरीन। जूस वूस हमने पी लिया, नींबू हमने ब्रेड रखने अभी। बट अगर मैं बात करूँ तो यार, मेरा वाला वो मग जो मैं लेके जाता रहा, मिल ही नहीं रहा। हाँ, पता नहीं कहाँ। वाइफ कह रही यहाँ पे रखा, यहाँ रखा, मेरे को दिख नहीं रहा। आप बताइए कमेंट सेक्शन में। चलो थोड़ा वाइड कर दिया, आप बताइए कमेंट सेक्शन में क्या आपको दिख रहा है। यहाँ पे मेरे को तो दिख नहीं रहा भैया, कहाँ पे है, कहाँ छुपा भाई। ऐसा ना कि ऐसी जगह पर छुप गया हो। वाइफ कह रही रखा यहीं पे है, मुझे तो दिख नहीं रहा भैया कहाँ रखा कहाँ नहीं रखा। एक तरीके से गायब ही हो गया, माया जाल हो गया भैया। इसके अंदर तो नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है। कहाँ रखा है? यहाँ तो है नहीं, कहीं और नहीं रखा। धोया भी था, यही तो है। कहाँ है? ये देखो ये ऊपर से गिर गया होगा नीचे। कहाँ है? मेरे को तो अभी नहीं दिख रहा। इसमें नींबू नहीं छोड़े हुए आपने? ये देखो गाइस, मैं इसकी बात कर रहा हूँ जो चाय मैं लेके जा रहा हूँ, और मेरे को नींबू वाला दिया जा रहा है। नींद है क्या? नींद आ रही नहीं, अभी तो मेरे से नींबू वाला पूछ। नींबू वाला नहीं पूछ रहा मैं, क्या था जिसमें मैं चाय पीता हूँ वो वाला जहाँ। ये देखो ये रखा गया यहाँ पर। ये नहीं मांगा मैं, ये मांग रहा था मैं। कहाँ पर है? नींद में याद ही नहीं है। मैं नहीं, मैं तो जाग जाता हूँ 5 बजे की नींद नहीं। मौज मस्ती कर रहे, सो रहे हैं अभी। हेलो गाइस, आज हम थोड़ा सा जल्दी जाएंगे बिकॉज आज हमारे को थोड़ा काम है। सो सुबह सुबह इन द मॉर्निंग इट्स वी हैव टू गो अर्ली इन द मॉर्निंग एंड इन द अर्ली इवनिंग वी विल कम बैक एंड एंजॉय आवर ब्यूटीफुल डे बिकॉज टुडे इज सैटरडे एंड टुमारो इज संडे। संडे इज अ मंडे, मंडे इज अ संडे। ओह माय गॉड, एवरी डे इज अ डे, यू हैव टू जस्ट एंजॉय, जस्ट चिल, बेल हो जा ब्रो, हर दिन एंजॉय करो एकदम मस्त तरीके से भैया। चंडीगढ़ गए गाइस, सो नो बेबीज हो गए रेडी। स्माइल करो, स्माइल करो, बातिंग हो गई। स्माइल कर, स्माइल नहीं करता। आप स्माइल करो। थप्पड़ी मार दी। तो एक्चुअली मैंने कुछ रिकॉर्ड किया था, वो रिकॉर्ड हो गया। ऑपोजिट साइड में मतलब दूसरे कैमरा ऑन था। सो एक्चुअली मैंने शायरी रिकॉर्ड करी थी और आज मैंने कॉलर माइक लगा के वो करी है। वो थोड़ी क्रिस्प आवाज आई होगी और वो मैंने कौन सी आएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। मेरा जो पेज है वो करंटली अपलोडिंग 4 पेजेस, सो उन 4 पेजों में आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो भैया मेरे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और खोकर साहब ट्रिनिटी पेज पर भैया दिल्ली की 2 शायरियां तो मैं डाल ही रहा हूँ, कभी 3 कभी 4 भी हो जाती है। कंसिस्टेंसी मेरी नहीं है। कंसिस्टेंसी किसमें उसे नहीं है, मतलब 2 डालनी है या 4 डालनी है, वैसे 2 तो पक्का आती है। तो बस यही मैंने कुछ बताया था उधर। वो चलो चलते हैं ऑफिस के लिए भैया, भागो। इसका रहेगा महाराज जी है, महाराज जी की जय हो महाराज जी की। ये देख रहे हैं क्या, पता नहीं क्या देखते रहते हैं। एक इधर ये देख, ये यहाँ पे खाना खा रहा है, ये भी वहां से देख रहा है। जब आपका सुबह सुबह लाइक माथा थोड़ा गर्म हो जाए तो आपका दिन कैसा बीतेगा पता नहीं, वो मैं आपको बता दूंगा कैसा बीता है, कैसा बीतेगा। अभी तक तो भैया दिमाग गर्म है, हुआ किस वजह से पड़ा था नहीं, चलो छोड़ो, लेट इट बी। समय है, आता है जाता रहता है, ठीक है। और बेस्ट चीज पता है क्या, आप देखते हैं सुबह सुबह को, देखो मतलब इन चीजों को देख के ना माइंड एकदम रिलैक्स हो जाता है। देखो सुबह सुबह कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी को एक बेहतरीन आयाम दे रहे हैं। शनिवार के दिन इतना बेहतरीन, शनिवार जी का, शनि देव जी का दिन है और इस दिन जा रहे हैं कहाँ पे, राइड पे। और सुबह सुबह राइडिंग किया हुआ ना भैया आपका दिन बन जाता है कसम से। अगर आप मतलब अपने बाइक को, अपने देह को प्यार करते ना
तो अपनी रूह को उसके बीच में मिला के एक बार थोड़ा सा सुबह जल्दी उठ के और निकल के देखो, कसम से ऐसा मन तृप्त हो जाएगा ना, सारा दिन एकदम झन्नाटेदार निकलेगा। कहते ना विकास भाई वाला, झन्नाटेदार है, लवालब हो जाएगा पूरा का पूरा दिन आपका, खुशियों से अलग आयाम में चले जाओगे अब आप। एंड जो भी लाइक जो भी चीज ये दिख रही है सारी चीजें, ये जो सामने जा रहा है ऑल्टो जा रही है, उधर आगे I-20 जा रही है, ये ओमेक्स कितनी बड़ी बिल्डिंग है, ये ऑल दीज आर कॉल्ड, ये सारी चीजें क्या इल्यूजन है। और सबसे बड़ा डर पता है क्या है? डर आपके मन का होता है, मन के अंदर ही डर होता है और डर कुछ नहीं होता। जो मन होता है ना, जो मन के अंदर जो डर बैठता है, वही आपको सारी चीजें करवाता है, वही आपसे सारी चीजें छुटवाता है। अगर वो मन के अंदर लाइक आपने कंट्रोल करना सीख लिया ना, देन एवरीथिंग इज बीन मतलब एकदम बढ़िया है, मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो वो बस ट्रेन करो अपने मन को, आप कैसे अपने हाथों में अपने कब्जे में ले सकते हो वो चीज। आई एम ऑल्सो इन टू डेट काइंड ऑफ पाथ। अगर मेरे को लाइक कुछ समझ आता जाएगा, मैं आपको कुछ कुछ समझाता जाऊंगा। बाकी अगर आपको कुछ कुछ आता है या बहुत कुछ आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं भी थोड़ा थोड़ा सीख लूंगा आपसे। और हाँ, देख लेंगे आज अगर शायद से टाइम मिला तो वहां पर हम जरूर जाके आएंगे। और जाएंगे तो सबसे पहले हमारे पास एक चीज है, वो साथ में लेके चलेंगे, क्योंकि ऊपर जाके पता नहीं लगता कौन सी क्या चीज आपके ऊपर आ जाए या क्या कुछ हो जाए। सो इससे बढ़िया है कि अपने साथ प्रिकॉशंस वगैरह साथ में लेके चलें। प्रिकॉशन क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा वो खैर आपको शाम को मैं दिखा दूंगा, अभी तो सीधा चल रहे हैं पहले ऑफिस के लिए। इस बार वाला गला खराब तो कुछ ज्यादा ही लंबा चल रहा है, मतलब 2 हफ्ते तो हो गए हैं। चलो थैंक्स एंड विजिट अगेन, चलो शाम को फिर आएंगे जी। धन्यवाद धन्यवाद आपका भी। चलो इस चीज के बारे में लाइक मैं बात कर रहा था अभी, ये देखो ये वाली चीज है, ये शाम को एक्सप्लोर करेंगे हम, यहाँ पे आएंगे ऊपर देखते हैं क्या कुछ मिलेगा यहाँ पे। इसी के साथ हम चलते हैं अभी ऑफिस की तरफ, और अपना डे एंजॉय कीजिए भैया, आप मौज मस्ती कीजिए, बिकॉज लाइफ का कब पटाखा बजे कुछ नहीं पता। तो समझ गए ना, हर दिन को ऐसे जियो के दिस इज योर लास्ट डे भैया। तो हेलो गाइस, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू द चैनल। हो गई शाम वाले ब्लॉग की शुरुआत एक बार दोबारा से डैड चंडीगढ़िया के साथ, और कुछ बेहतरीन चीज हुई है। वो क्या हुई है अभी खैर बता नहीं सकता, लाइक देयर इज समथिंग व्हिच आई कांट टेल यू राइट नाउ, बट देयर इज मतलब बहुत सही चीज हुई है और वो बताऊंगा आने वाले व्लॉग्स में, शायद या कल या परसों या पता नहीं, बिकॉज अभी करंटली हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई है थोड़ी, कि अभी नहीं बताना। मैंने कहा ठीक है भैया नहीं बताना, सो देखते हैं क्या खुशखबरी है वो, क्या खुशखबरी नहीं है। और ये देखो रोड वगैरह जब बन रहे हैं ना, तो यहाँ पे पूरा तांता लग जाता है, इतना ट्रैफिक व्रैफिक हो जाता है, और ऊपर बारिश का भी मौसम हो रखा है चंडीगढ़ में, सुना है मैंने ऐसे हो रखा, तेज हवाएं चल रही है एकदम धपचिक धपचिक। और आज हम जाके करेंगे एक्सप्लोर, हाँ आपको भी दिखाते हैं क्या मिलता है वहाँ पे। तो जी हम यहाँ पे रुक गए हैं और वहाँ पे हम एक्सप्लोर करने चलेंगे, अभी देखते हैं वहाँ पे क्या कुछ मिल सकता है अपने को। तो जी देखो ये वाला है जिसके बारे में लाइक मैं बात कर रहा था, और साथ में देखो जरूरी है सेफ्टी भैया पहले, समझ गए ना। यहाँ पे देखते हैं एक्सप्लोर करते हैं क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है। मुझे तो लगता है यहाँ पे पानी हो सकता है। देखो अपनी गाड़ी वो है, ऊपर बिजली कड़क रही है, और हम जा रहे हैं आपको दिखाने के लिए। बोलो जय माता दी, जय भैरवनाथ। बदल भी गरज रहे, और वहाँ पे डॉग है एक बोरा छोटा सा प्यारा सा, और यस मुझे यही लगा था। मोर भी हैं, और ये देखो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल हिरन विरन यहाँ पे काफ़ी कुछ हो सकते हैं, शेर चीता भी हो सकता है, बिकॉज पीछे जंगल है ना, और वहाँ से अभी हम आए हैं। वाह ये देखो, ये सारी चीज सिर्फ डैड चंडीगढ़ गाय दिखाता है भैया। डैड चंडीगढ़ गाय को फॉलो कर डालो, इस टाइप का धमाकेदार कंटेंट हम लेके आते रहेंगे। वो देखो डियर देखा, वो देखो वो भागा, और पीछे शेर है, कौन है वो देखो, अच्छा जंगली कुत्ते वो भी भाग गया देखा, वो भाग रहा है एक, ये पीछे रह गया। तो यहाँ पे डियर वियर और इस टाइप के चीजें मिलती रहती हैं। वो देखो वो रह गया ना पीछे, वो देखो हो रहा है भैया, ये कौन है, ये डियर तो नहीं लग रहा मेरे को, कौन है? ओहो हो भाई साहब, कुत्ते और ये जंगली सू, ये मेरे को वो लग रहा है जंगली कुत्ता जो होता ना वो, भाई साहब क्या दिख गया आज। ये देखो ये जंगली कुत्ता वो जो होता ना, ये वो है चीज भाई साहब, मेरे पीछे वो देखो, मेरे पीछे वो जंगली कुत्ता। ये देखो आई एम गेटिंग अ गूज बम्प भैया, ये देखो आपको भैया दिखाने के लिए, देखो इसे कहते हैं असली नज़ारा। बदल भी कड़क रहा है, क्या कहते हैं इसको, अब मैं मतलब यहाँ से हिल नहीं रहा, हिल नहीं पा रहा यहाँ से मैं, ये नज़ारा देख के। ये वो है
इनफैक्ट मेरा हार्स भी शायद शेक कर रहा है। ये वो चीज़ है यार, क्या कहते हैं उसको, मेरा ध्यान नहीं आ रहा। इनफैक्ट मेरी जो लातें वो भी शिवर कर रही हैं, लग गई हैं। ये देखो, ये देखो, चलते हैं। जंगली चीज़ों को जंगल में रहने दो। शायद ये आज नज़ारा मैंने देखना था, पहली बार एक्सप्लोर किया और ये वाली चीज़ आपको देखने को मिल गई यहाँ पे हमारे साथ में। दल भी कड़क रहे। और जब भी आप इस टाइप से इलाके में आए तो पीछे हमेशा देखते रहे, लाइक समवन इज बीइंग फॉलोइंग यू और नॉट, लाइक एनिमल्स वगैरह हो सकते हैं। बिकॉज ये जंगल है ना भैया, जंगल राज है भैया। यहाँ पर तो जंगल राज है और जंगल से बाहर भी जंगल राज है, समझ गए ना। चलो वो रही अपनी गाड़ी और ये हम चल रहे हैं, कर लिया एक्सप्लोर। तो विकास दयाल भाई, हम भी थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर द अनसीन कर रहे हैं। तो देखो वहां से हम आए हैं, ये अपनी गाड़ी और चलो चलते हैं। इनफैक्ट जो मुझे कंफ्यूजन हो रही है, या तो वो अब मेरे को याद आया वो लकड़बग्गा था, या तो लकड़बग्गा था या हिरन का छोटा बच्चा था, इन दोनों में से कोई एक चीज थी वो। ये देखो मस्त है ना मौसम। हम देखो जिंदगी में चलते रहते हमारे को आसपास कुछ नहीं पता होता क्या है, बट जीवन में जो हटके जो काम करता ना उसको सारी चीजें पता लग जाती है। इस तरह ट्रैफिक है, ट्रैफिक चल रहा है यहाँ पे, जिनको कुछ नहीं पता पता यहाँ जंगलों में क्या कुछ हो रहा है, पर जंगल के अंदर बहुत सारी चीजें हो रही है। सुबह हम कुछ माइंड की बात कर रहे थे, लाइक माइंड पर कंट्रोल और ये सारी चीजें, अब आई थिंक पता नहीं सुबह कर रहे थे या कल कर रहे थे, बट जिस चीज देखो ऐसी है। सिंपल एग्जांपल एक और मैं बताता हूँ, मेरा बड़ा मन था कि हैरियर या फिर थार लेने का, ठीक है, ब्लैक रंग का, बट ना पैसा था ना कुछ था, बट अल्टीमेटली अपने पास क्या हो गया ना, इससे इतना जुड़ाव हो गया मेरे साथ कि भैया अब मेरे को शायद फॉर्च्यूनर या फॉर्च्यूनर कह रहा हूँ, हैरियर या वो कुछ भी है, मतलब वो अगर आएगी तो मैं मना कर दूंगा। और ये वाला ना पता है क्या, तृप्ति आपके अंदर होती है, आप किस तरीके से तृप्त हो रहे हैं वो एक मेन चीज है। जैसे कि आप भैया ऑल्टो है किसी के पास, उसको चाहिए होगी स्विफ्ट, स्विफ्ट है किसी के पास, वो आगे आगे मतलब समझ रहे हैं ना, तो ये सारी चीज है। तृप्ति कभी पूरी नहीं होती मन की, तो मन की तृप्ति कब पूरी होती है, जब आप खुद उसके ऊपर कंट्रोल डालते हैं, लगाम कसते हैं अपने दिमाग के ऊपर, अपने मन के ऊपर। मन चंचल मत होने दो, स्ट्रिक्ट रखो इसको, जैसे आपकी बॉडी स्ट्रिक्ट रखती है ना वैसे मन के ऊपर। जिसने भैया मन पे कंट्रोल करना सीख लिया ना भैया, दुनिया विजय कर ली उसने। मैं भी सीख रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा मैं सीख चुका हूँ। और इसी के साथ हल्की हल्की बौछारें चालू हो गई हैं, ये इतना चालू हो गया, कह रहा फैन की लाइट चली गई है, पंखा हमने सुखाने के लिए वो किया, ठंडा करने के लिए लाया, और ये कह रहा लाइट चली गई। बच्चे बच्चे अब तेरी लाइट गई ना तो देख ले, बहुत चिट्टू लग जाएंगे तेरे, दूध ठंडा होने दे चल। ये टिक टैक के पीछे इन्होंने रोला मचा रखा है, आसन कर रहा है। भैया घर पे रोला हो रखा है कि टिकटॉक लाओ टिकटॉक लाओ, मैंने पूछा था कुछ लेके तो नहीं, उस टाइम तो मना कर दिया। अब घर पे आने के बाद भैया वापस बाहर तो नहीं जाया जाता, तो घर आ गए तो भैया घर पे बस फिर तो घर ही घर दिख। आगे से रोएगा बेबी ये, इधर आ फिर कहाँ गया, फिर मिलेगी टिकटॉक कहाँ है, आगे से रोएगा, हाँ इधर देख फिर, हाँ ले पहले पिंकी प्रॉमिस कर, ऐसे ऊपर ऊपर नहीं चढ़ना, पहले पिंकी प्रॉमिस कर, एक वीडियो में रिकॉर्ड हो गया, आगे से रोना नहीं है आपने, फिर मिलेगा टिकटॉक, ठीक है, कल मिलेगा मॉर्निंग में, ला पिंकी प्रॉमिस करो, आप भी रोगे नहीं, ठीक है, पिंकी प्रॉमिस हो गया। हाँ तो ये लगे हैं सोने की तैयारी करने के लिए, चटर मटर करेंगे, हाँ सुबह इनको टिकटॉक मिलेगा, इसको भी टिकटॉक, इसको भी टिकटॉक, बिकॉज ठीक है आप भी चल टिक टैक लेके। सो गाइज अगर आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो डू सब्सक्राइब, बहुत सारा कंटेंट होता है। अगर आपको आज जो हमने एडवेंचर किया वो भी बढ़िया लग रहा है तो भैया कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, इस टाइप का मैं देखूंगा और आसपास और क्या चीज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चा चा।